नमस्कार। मेरा बॉस से जो संबंध है वो तब का है जब सीकर जैसा आज दिखाई देता है आपको, उससे बिल्कुल अलग था। किसी भी प्रकार की कोई शिक्षण संस्था, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सीकर में हम सोच ही नहीं सकते थे। और मुझे अभी भी याद है 1995 में बॉस आए थे और 96 में चूँकि CLC ओपन हुई थी और हमारा घर बिल्कुल सामने ही है बॉस के, तो मैं और मेरे 3 मित्र और थे जिनसे हम बॉस से मिलते थे जाकर के, तो ये शाम को हमें पढ़ने के लिए बुलाते थे। ये 95 की बात बता रहा हूँ आपको, 1995 की। हमारा बोर्ड 96 का है, मतलब 96 में हमने 12th की थी। तो बॉस का सबमिशन ये था उसमें कि तुम तीनों चारों मेरे पास आया करो शाम को और तुमको सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो तुम्हारा तो रिविज़न हो जाएगा और मुझे कोचिंग ओपन करनी है नेक्स्ट ईयर, तो मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो उस पर कमांड हो जाएगा। 95 की बात बता रहा हूँ आपको। तो हम उन दुर्लभ लोगों में से हैं जिन्होंने बॉस से दो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। आपने बाद में शायद एक ही सब्जेक्ट पकड़ लिया होगा, शुरुआत में इन्होंने 2 सब्जेक्ट पढ़ाए और ये 3-4 साल तक ये सिलसिला चला। उसके बाद हम फर्स्ट बैच के स्टूडेंट भी रहे 1996 में, फिर हम सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट होकर के मैं तो 2005 से ही मैं कोचिंग इंडस्ट्री में आ गया और तमाम दक्षिण भारत में या दिल्ली में या बाकी जगहों पर जितने भी मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मैंने सभी जगह पे काम किया है। अपना स्वयं का भी संस्थान मैंने चलाया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण यहाँ पर बॉस ने मेंटेन किया हुआ है, CLC का पूरा ही वातावरण, चाहे सीकर का हो, चाहे जयपुर का, चाहे अलवर का, बीकानेर का, इवन टेस्ट सेंटर्स का, स्कूल्स का, वो एक अलग ही प्रकार का वातावरण है। यहाँ किसी भी प्रकार का कमर्शियल एस्पेक्ट आपको फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल घर के जैसी ही फीलिंग आएगी। आप CLC के किसी भी कैंपस में एंटर कर जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने घर के लोगों के साथ ही बैठे हैं। और ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि आप एक बिल्कुल मेंटल ईज की पोजीशन में आ जाते हैं। आप बिल्कुल एक फेथ आप में डेवलप हो जाता है कि जहां हमारा बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए या जहां हम बच्चे को सौंप रहे हैं, उस जगह पे आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और इस वजह से जो चीज़ 1 साल की जगह 2-3 साल में हो रही थी वो 1 ही साल में पूरी होने लगती है। बच्चे प्रॉपरली तैयारी भी करते हैं मन लगा करके, मेहनत भी करते हैं और बहुत अच्छी रैंक लेकर के सेलेक्ट भी होते हैं। तो जो एक बहुत ही मैजिकल टाइप का एटमॉस्फियर यहाँ पर रहता है वो इतना महत्वपूर्ण है, वो माहौल इतना महत्वपूर्ण है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे की तैयारी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और पूरे साल जो शेड्यूल चलता है वो इस तरीके से चलता है कि एग्जाम वाले दिन आते आते सिचुएशन ये होती है कि बच्चे को एग्जाम का स्ट्रेस नहीं होता, उसे लगता है कि रूटीन कोई टेस्ट हम देने के लिए जा रहे हैं, जैसे पूरे साल हम टेस्ट दे रहे थे, ठीक उसी तरीके से एक टेस्ट में और अपीयर हो जाते हैं। तो जो एक साइकोलॉजिकल बर्डन होता है वो भी बच्चे के ऊपर नहीं रहता। सभी कोचिंग संस्थानों में, लगभग सभी कोचिंग संस्थानों से एसोसिएट रहने के बाद मैं ये बात भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो स्टडी मटेरियल CLC का है बिल्कुल अपडेटेड स्टडी मटेरियल लास्ट ईयर के अपडेशन के बाद, जो टेस्ट पेपर्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी बेहतरीन है। और ये तो अभी लास्ट 80 दिन के आपको क्वेश्चंस बॉस ने अभी बताए। मैं तो जयपुर सेंटर पर जब बच्चों से मिलता हूँ क्लास में तो उनको टोटल बताता हूँ कि आप 100 के आसपास टेस्ट देंगे, फिर आपको एक 6-पैक का एक पूरा 6 किताबों का सेट मिलेगा, प्लस आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस, और इनका टोटल 50,000 से ऊपर जाता है पूरे साल में। मोर देन 50,000 MCQs बच्चे सॉल्व करते हैं, कोई कॉर्नर कोई नूक बचता ही नहीं है जहां से कि प्रश्न हम न पूछ लें। जो भी बच्चा प्रॉपरली शेड्यूल को फॉलो कर लेता है कोई कारण नहीं है कि उसका सिलेक्शन न हो पाए। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने बच्चे को CLC को सौंप सकते हैं। हम बहुत जीतोड़ मेहनत करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि एक कदम अगर बच्चा चले तो 9 कदम हम उसकी तरफ चल के जाएं और उसको किसी न किसी तरीके से हम सक्सेस करने में अपना योगदान दें। थैंक यू।